हेलो एवरीवन, दिस इज प्रियंका कुमार एंड वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल। आज बात करने वाली हूँ उन लेडीज के बारे में, उन फीमेल्स के बारे में जो बॉर्न हुई हैं 4/13/22 या 31 को किसी भी मंथ में। आप बहुत ज़्यादा हेड स्ट्रांग होती हैं, आपका विल पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, हाई होता है, आप स्मार्ट होती हैं, आप आउट ऑफ द बॉक्स सोचने वाली होती हैं, ओरिजिनल आइडियाज़ होते हैं आपके, आप हार्ड वर्किंग होती हैं और आप थोड़ी सी स्टर्बन भी होती हैं, ज़िद्दी होती हैं, जल्दी दूसरों की बात सुनने वाली नहीं होती हैं, रेबेलियन नेचर की होती हैं, आपको लीक से अलग हटकर काम करना ज्यादा पसंद आता है और इसी वजह से आप थोड़ी सी मिसअंडरस्टूड होती हैं, लोग आपको जल्दी समझ नहीं पाते हैं, आप थोड़ी सी स्ट्रेट फॉरवर्ड होती हैं, ब्लंट होती हैं, सरकाज्म आपके अंदर होता है, आप दूसरों को क्रिटिसाइज करने वाली होती हैं, बहुत कीनली ऑब्जर्व करती हैं और एक अच्छी क्रिटिक होने की वजह से आप ब्लंटली कोई भी बात बोल देती हैं, आप फिल्टर नहीं लगाकर बोलती हैं, जिसकी वजह से आपके एनिमीज बहुत ज्यादा बन जाते हैं और आपके जो क्लोज रिलेशनशिप्स होते हैं जैसे आपके भाई बहन के साथ भी थोड़ी सी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप बहुत ज्यादा दूसरों को क्रिटिसाइज करती हैं और जो आप चाहती हैं वही करती हैं। आप बहुत सारी चीजों में एम रखती हैं, बहुत सारी चीजें करना चाहती हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता कि आप सारी चीजों में सक्सेसफुल हो। आप जो टफ सिचुएशंस होते हैं, जो बड़ी चीजें होती हैं, उसमें तो आप अपने विल पावर और कॉन्फिडेंस की वजह से सक्सेसफुल हो जाती हैं, लेकिन छोटी छोटी चीजों में आप ज्यादा घबरा जाती हैं, या यूं कहो कि आप वहां पे थोड़ी सी फेल भी हो जाती हैं, आप परेशान हो जाती हैं। आप बहुत ही कम एज में मैच्योर्ड हो जाती हैं और आप राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने वाली होती हैं। आप अकाउंटिंग में, मनी मैटर्स में, पढ़ाई लिखाई में, ऐसी चीजों में आप बहुत अच्छी होती हैं और ये सारी चीजें आपको सीखने की जरूरत नहीं होती। आप इनहेरेंटली आप पैसों के हिसाब किताब में, अर्निंग में, सेविंग में, अकाउंटिंग जैसी चीज़ों में आप अच्छी होती हैं और इसकी वजह से कुछ लोग आपसे जेलस भी फील करते हैं, उन्हें लगता है कि आपको कैसे ये सारी चीज़ें आती हैं। आप टेक्नोलॉजिकली बहुत ज़्यादा एडवांस्ड होती हैं, आप टेक सेवी होती हैं, किसी भी टेक्नोलॉजी को आप जल्दी सीख लेने वाली होती हैं, समझ लेने वाली होती हैं, क्योंकि आपका जो नेचर होता है वो बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड और ब्लंट होता है। आप फिजूल की दूसरों की तारीफ नहीं करती हैं, आप झूठी तारीफ करना या झूठी किसी के बारे में कुछ बोलना, ऐसी चीजें आपको पसंद नहीं होती है, जिसकी वजह से आपके लॉन्ग लास्टिंग फ्रेंड नहीं होते, वैसे फ्रेंड नहीं होते हैं जो कि इस मतलब से रहना चाहते हैं कि आप उन्हें झूठी तारीफ करते रहे, उनके हाँ में हाँ मिलाते रहे, और जब ऐसा नहीं होता है तो आपके फ्रेंड्स आपसे छूटते चले जाते हैं और वहीं आपके रिश्तेदार भी आपसे छूटते चले जाते हैं, जहां की उन्हें लगता है कि आप उनके हाँ में हाँ नहीं मिला रही हैं। आपको घूमना फिरना, ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, स्पेशली यदि वो रिलीजियस पर्पस के लिए है तो वो आपको बहुत ज़्यादा पसंद होता है। आप अपनी फैमिली को, अपने घर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करती हैं, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपके फैमिली मेम्बर्स आपको जल्दी समझ नहीं पाते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप मिसअंडरस्टूड होती हैं, तो अपनों में ही आप ज़्यादा मिसअंडरस्टूड होती हैं। आप थोड़ी सी विम्सिकल नेचर की होती हैं, आपको खुद समझ नहीं आता कि आप चाहती क्या है, करना क्या चाहती हैं, और ऐसी ही नेचर की वजह से आप अपने ही मूड को स्पॉइल कर लेती हैं, अपने दिन को आप बर्बाद कर लेती हैं। आप एक बहुत अच्छी वाइफ तो होती हैं, आपको घर को सजाना संवारना पसंद होता है, लेकिन आप ये कोशिश करती हैं कि ये काम आप दूसरे को डेलीगेट कर दें, दूसरे से करवा लें। आप घर से तो अटैच्ड होती हैं, लेकिन ऐसा भी नहीं होता कि आप दिन भर घर पे ही रहना चाहती हैं, आपको घर से बाहर निकलना भी बहुत पसंद है। आप ये भी चाहती हैं कि आपके हस्बैंड आपकी बात को माने, आपको अप्रिशिएट करें, और वहीं आप थोड़ी सी मूडी होती हैं और थोड़ी सी इंटॉलरेंट हो जाती हैं। यदि आपके हेल्थ से रिलेटेड बात करूँ तो आपको गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम हो सकती है, जो हमेशा आपको परेशान करती रहती है, आपको कंसीव करने में प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको देती हूँ कुछ हेल्पफुल टिप्स, जिसे आप फॉलो करके अपने नंबर को और ज्यादा पावरफुल बना सकती हैं, अपने आप को और ज्यादा स्ट्रांग बना सकती हैं। सबसे पहला टिप है कि कोई भी अपॉर्चुनिटीज जब आपके पास आती है तो आप बहुत ज्यादा डाउट करती हैं उस अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने से पहले, तो इसीलिए आप अपॉर्चुनिटीज को राइट टाइम पे यदि ग्रैब करती हैं तो वो आपके लिए ज्यादा बेनिफिशियल होगा। तो ज्यादा सोचिए मत और अपने इंट्यूशन पे आपको बिलीव करना चाहिए। नेक्स्ट टिप है कि आप अपने इमोशंस को, क्योंकि राहु जो है वो आपके थॉट्स हैं और आप राहु से इन्फ्लुएंस्ड हैं, तो आपके अंदर बहुत सारे थॉट्स आते रहते हैं, तो आप उसे एक्नॉलेज कीजिए, आप उसे पहचानिए, सही और गलत जो भी थॉट्स हैं उनको समझिए, अपने इमोशंस को समझिए, उनको ऑनर कीजिए, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। राहु आपको हर तरह के थॉट्स देता है, अच्छे बुरे, पॉजिटिव नेगेटिव, लेकिन आपको पॉजिटिविटी के साथ रहना है, इसीलिए आपके लिए कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप कैसे लोगों के साथ हैं, क्योंकि
जैसी कंपनी होगी, जैसे थॉट्स होंगे आपके आसपास, आप भी कहीं ना कहीं वैसे ही थॉट्स को अपनाने लगेंगी। तो इसीलिए आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि अपने इमोशंस को, अपनी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना। आपको अपने सेल्फ केयर पे बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है। आप उसके लिए मेडिटेशन कीजिए, या अपने जो भी थॉट्स हैं उसको जर्नलिंग कीजिए, उसको कहीं भी लिखिए, जिससे कि आपके जो भी इमोशंस हैं वो बाहर निकले, आपके अंदर ही ना रहे। या फिर आप कहीं घूमने जाइए, आप अपने साथ वक्त बिताइए, आप अच्छी बुक्स पढ़िए। वो जो बोलते हैं मी टाइम, वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यू शुड फोकस ऑन हियर एंड नाउ रादर देन ड्वेलिंग ऑन पास्ट, कि पहले क्या हुआ, पहले ये ऐसा गलत हो गया या सही हो गया, उसके बारे में मत सोचिए, या फिर फ्यूचर के बारे में चिंता मत कीजिए। आप जो मोमेंट है उसके बारे में सोचिए, उस पल को जीने की कोशिश कीजिए। जो अभी की रियलिटी है उसको फेस करना शुरू कीजिए, तो आप ज़्यादा पॉजिटिव फील करेंगी। क्योंकि आप राहु से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं, क्योंकि आप नंबर 4 की है, तो राहु क्रिएट करता है इम्पेशंस को। आप बहुत ज़्यादा इम्पेशेंट हो जाती हैं, आपको लगता है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, अभी ये क्यों हो रहा है, कब ये सारी चीज़ें ठीक होंगी। तो वो जो डिवाइन टाइम है, जिस टाइम पे चीज़ें होती हैं, उस पर भरोसा कीजिए, उस पर बिलीफ रखिए, अपना फेथ रखिए, और चीज़ें अपने वक्त पे सब सही हो जाएंगी। ऐसे बिलीफ के साथ आप अपना काम करते रहिए, क्योंकि यदि आप उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपने काम पर ध्यान नहीं दे पाएंगी, फोकस नहीं दे पाएंगी। और यदि राहु है तो ये भी हो सकता है कि वो आपको थोड़ा डेविएट करे, आपका फोकस इधर से उधर हो जाए। तो इसीलिए आपको मेडिटेशन करना, अपने आप को फोकस्ड रखना, और डिवाइन एनर्जी, डिवाइन टाइम पर बिलीफ रखना, ये बहुत जरूरी है। राहु सडन चेंज को भी सिग्निफाई करता है, राहु जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है उसको भी सिग्निफाई करता है। आपको उस चेंज को एम्ब्रेस करना है, क्योंकि हमेशा चेंज गलत नहीं होता, चेंज हमेशा बेटरमेंट के लिए भी होता है, आपके ग्रोथ के लिए भी होता है, इवोल्यूशन के लिए भी होता है। तो उस चेंज को एक्सेप्ट कीजिए, एम्ब्रेस कीजिए। नेक्स्ट टिप है कि यदि आप चाहें तो गोमेद पहन सकती हैं, जिसे हम हेसोनाइट भी कहते हैं, लेकिन वो आप खुद से नहीं पहनेंगे, किसी भी एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर से या न्यूमरोलॉजिस्ट से कंसल्ट करने के बाद ही पहन सकती हैं। नेक्स्ट टिप है कि आपको ब्लैक कलर को कम्प्लीटली अवॉइड करना है, इम्पॉर्टेंट डेज पे भी, और ऐसे भी अवॉइड कीजिए। आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइट कलर्स को अपने क्लोथिंग में इनकॉर्पोरेट कीजिए, या अपने होम डेकोर में इनकॉर्पोरेट कीजिए, आपके लिए वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप एक डिसिप्लिन्ड लाइफ को फॉलो कीजिए, जल्दी उठना, जल्दी सोना, ऐसी चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। आप सनराइज के साथ साथ सनसेट की तरफ भी अपना ग्रैटिट्यूड दिखाइए, क्योंकि सनसेट भी एक होप देता है, एक उम्मीद देता है कि आज के बाद फिर कल सुबह सनराइज होगा। तो ऐसी चीज़ों में आपका फेथ होना बहुत इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टिप है कि कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स यदि आपके घर में ख़राब पड़े हैं, अनयूज्ड हैं, उन्हें यदि आप डिस्कार्ड कर सकते हैं तो डिस्कार्ड कीजिए, यदि आप किसी को दे सकते हैं तो दे दीजिए, लेकिन अनयूज्ड या फिर जो भी फॉल्टी गैजेट्स हैं उन्हें अपने घर में स्टोर करके मत रखिए। नेक्स्ट टिप है कि अक्सर हम लोग ये करते हैं कि मोबाइल का चार्जर प्लग पे हैंग करता हुआ रहता है, तो इस चीज़ को अवॉइड कीजिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको नहीं करना है, अपने घर में किसी को भी ये करने से रोकिए। इलेक्ट्रिसिटी को आपको वेस्ट नहीं करना है। यदि आप कमरे में नहीं हैं तो कोशिश कीजिए कि आप निकलने से पहले लाइट्स, फैन, इन सारी चीज़ों को, एसी वगैरह को ऑफ करके ही आप घर से बाहर निकले, रूम से बाहर निकले। इन चीज़ों को आप फॉलो कीजिए, और मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बातों से रिलेट करेंगे, रेजोनेट करेंगे। नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और यदि आपको मुझसे न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन चाहिए तो आप मेरे वेबसाइट numberworks.com के थ्रू, या फिर मेरे व्हाट्सएप नंबर के थ्रू आप मुझसे कंसल्ट भी कर सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपसे मिलूंगी। टिल देन टेक वेरी गुड केयर ऑफ योरसेल्फ एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।